हेलो दोस्तों, मेरा नाम आजरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वीवो S1 प्रो के अंदर एप्स लॉक कैसे लगाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्स लॉक कैसे लगाएं। सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको एप लॉक लगाना बहुत जरूरी रहता है, जैसे आपके फोटो हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, जिनको एप्स लगाना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई आपकी बिना परमिशन के आपके फोटो नहीं देख सके और जिससे आपका डाटा भी लीक होने के चांस कम रहते हैं। मेरे पास है ये वीवो S1 प्रो का डिवाइस। अगर आपके पास वीवो का कोई भी स्मार्टफोन है तो उसके अंदर एप्स लॉक कैसे लगाएं, तो चलिए हम बताते हैं आपको एप्स लॉक कैसे लगाएं। एप्स लॉक लगाने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। आप जैसे ही पहुंच जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले का भी पासवर्ड लगा रखा हो फ़ोन में, ये तो अभी आपसे ये ऑप्शन पूछेगा। अगर आपने पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा। जैसे कि मैंने पहले से लगा रखा है तो यहाँ से मैं ऐसे करूँगा एक्सेस। यहाँ एक्सेस करने के बाद आपको यहाँ ये ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मिलने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने पहले से पासवर्ड लगा रखा तभी आपको ये दो ऊपर के जो ऑप्शन है डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड एंड चेंज पासवर्ड तभी पूछेगा। अगर आपने पहली बार यहाँ जाना है तो आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपसे न्यू पासवर्ड के लिए कहेगा जो आप लगाना चाहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐप इनक्रिप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको लिस्ट खुल जाती है पूरी आपकी जो एप्लीकेशन है जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लॉक कहाँ से करें। जैसे कि आपको देखें हमें एल्बम जिसमें हमारे फोटो रहते हैं इसे लॉक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए एक तो हम इसे ले लेते हैं और दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं अपना फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के बाद मैं आपको और बताता हूँ एक हमारा रहता है इंस्टाग्राम। यहाँ से मैंने ये तीन एप्लीकेशन लिए हैं, इन्हें किया है लॉक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले के ले जाके कि हमने जो एप्लीकेशन पर सेलेक्ट किए हैं उन पर लॉक लगा भी है या नहीं। हम यहाँ से चलते हैं बैक। जैसे आप यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है जैसे कि ये एल्बम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने जो पासवर्ड डाला होगा आप उसे खोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी फिंगरप्रिंट से भी एक्सेस है, मैं आपको पासवर्ड से खोल के दिखाता हूँ जो मैंने पैटर्न डाला है। यहाँ से जो हमने पैटर्न डाला है उससे आप देख पा रहे हैं एक्सेस हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ जो हमने फिंगरप्रिंट से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये एल्बम अब यहाँ से अभी ऑप्शन आ रहा है फिंगरप्रिंट से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक हमने लगाया था इंस्टाग्राम, तो चलिए इंस्टाग्राम को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से इंस्टाग्राम भी आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमने ऐप लॉक किए हैं उन्हें अनलॉक कैसे करें। कभी बाई चांस आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी इनको अनलॉक कैसे करें, तो आपको अनलॉक कैसे करें, तो चलिए जैसे हमने आपको बताया कि ऐप्स लॉक करें, हम वहीं से आपको बताएंगे ऐप्स अनलॉक कैसे करें। उसके लिए भी आपको चलना होता है सेटिंग में। आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो वहीं आपको ऑप्शन मिलता है फेस फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड ऐप्स इनक्रिप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पासवर्ड पूछेगा जो आपने डाला होगा, वहाँ से हम करेंगे इसे वेरीफाई। पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऐप्स इनक्रिप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं आपकी वही एप्लीकेशन की सारी लिस्ट आ जाती है, जो एप्लीकेशन जहाँ से आपने सेलेक्ट किए वहाँ से हम इन्हें कर देंगे अनसेलेक्ट। जैसे कि हमारा एल्बम हो गया, फाइल मैनेजर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। अभी यहाँ से हो चुके हैं हमारे अनलॉक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो हमने अनलॉक हुए भी या नहीं हुए। हम जैसे ही यहाँ से चलते हैं बैक जाने के बाद आप देख पा रहे हैं हमारे गैलरी आपको बिना पासवर्ड के डायरेक्ट एक्सेस हो रही है, आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।